कक्षा 11वीं विषय गणित प्रश्नावली 21वीं अध्याय 21 प्रायिकता। दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग क्रमांक 1 2 क्रमांक 2 12 क्रमांक 3 7 प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसके हल में देखिए, 2 पासों को एक साथ क्या करने पर, उछलने पर जो प्रतिदर्श समष्टि आएगी, दो पासों को एक साथ उछलने पर प्रतिदर्श समष्टि S प्राप्त होगी, वो कुछ इस प्रकार से 1 1 1 2 1 3। तो हमारे पास दो पासों को एक साथ उछलने पर कुल प्रतिदर्श समष्टि कंप्लीट ये आ गई। तो इसमें अगर अपन देखते हैं तो हमारे पास क्या नंबर ऑफ एस, इसमें अगर अपन देखें तो हमारे पास नंबर ऑफ एस बराबरी से कितने 36 प्राप्त होता है। नंबर ऑफ एस की वैल्यू हमको 36 प्राप्त हुई दोनों पासों पर कुल योग 2 होने की पहली परिस्थिति। क्या दोनों पासों पर अंकों का योग कितनी 2 होने की, जो अनुकूल स्थिति हमारे पास बन रही है उसे ध्यान से समझेंगे। 2 होने की अनुकूल स्थिति 1 धन 1 2 होगा, बाकी किन्हीं भी अंकों का योग देखे 1 धन 2 3 1 धन 3 4 1 धन 4 5। तो केवल एकमात्र परिस्थिति हमारे पास 1 1 ऐसी आती है जिसमें अंकों का योग क्या होता है 2 होता है, इवन बराबरी से 1 1। कहने का मतलब है नंबर ऑफ इवन बराबरी से कितना 1, अतः दोनों पासों के अंकों का योग 2 होने की प्रायिकता। अतः दोनों पासों के अंकों का योग 2 होने की क्या निकाले हम प्रायिकता। तो 2 होने की जो प्रायिकता निकलेगी पी ऑफ इवन बराबरी से नंबर ऑफ इवन बटे नंबर ऑफ एस, पी ऑफ इवन बराबरी से नंबर ऑफ इवन इसकी वैल्यू हमारे पास है 1, नंबर ऑफ एस जिसकी वैल्यू हमारे पास है 36। इसी में एक और दी है दूसरी कंडीशन, क्या दी है दोनों पासों के अंकों का योग, दोनों पासों के अंकों का योग कितना 12 होने की प्रायिकता। ध्यान से देखिए हमारे पास है दोनों पासों के अंकों का योग क्या 12 प्राप्त करने का योग। अगर हम देखें तो हमारे पास एकमात्र ये भी परिस्थिति 6 धन 6 बराबरी से 12 बनती है, अन्यथा किसी भी परिस्थिति में 12 नहीं आते। तो दोनों पासे के अंकों का योग 12 आने की क्या अनुकूल स्थितियां, अनुकूल स्थितियां अगर हम देखें तो वो मात्र 1 है, कौन सी 6 और 6 दोनों पासों पर अगर आता है तब, मतलब नंबर ऑफ E2 की जो वैल्यू होगी हमारे पास वो होगी 1 के बराबर। इसलिए क्या दोनों पासों के अंकों का योग 12 प्राप्त होने की
प्रायिकता, दोनों पासों के अंकों का योग 12 प्राप्त करने की क्या प्रायिकता, पी आर पी टू बराबरी से नंबर ऑफ ई टू बट्टे नंबर ऑफ एस, पी आर पी टू बराबरी से 1/36। अब देखिए तीसरी परिस्थिति, दोनों पासों के अंकों का योग, दोनों पासों के अंकों का योग कितना, 7 होने की, 7 होने की कौन सी अनुकूल स्थितियां, 7 होने की अनुकूल स्थितियां E3 बराबरी से, कौन कौन सी अनुकूल स्थितियां होगी ध्यान से देखिए, जब पहले पासे पर 1 दूसरे पर 6, पहले पर 2 दूसरे पर 5, पहले पासे पर 3 दूसरे पर 4, या पहले पासे पर 4 दूसरे पर 3, या पहले पासे पर 5 दूसरे पर 2, या पहले पासे पर 6 दूसरे पर 1। कहने का मतलब है क्या कि हमारे पास नंबर ऑफ E3 कितने, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 परिस्थिति हमारे कैसी है, अनुकूल आ गई। तो नंबर ऑफ क्या E3 बराबरी से कितना, 6 हमारे पास माना गया। तो अब हम लिख सकते हैं इसलिए दोनों पासों, इसलिए दोनों क्या पासों के अंकों का योग 7 होने की प्रायिकता, दोनों पासों के अंकों का योग क्या 7 होने की प्रायिकता, हम लिखेंगे पी आर पी थ्री बराबरी से नंबर ऑफ E3 बटे नंबर ऑफ एस, पी आर पी थ्री बराबरी से नंबर ऑफ E3 मतलब 6, नंबर ऑफ एस मतलब 36, 6 से 36 6 बार में कट जाता है, तो पी आर पी थ्री बराबरी से 1/6। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कर धन्यवाद।